कि कितना ज़्यादा बाढ़ आया हुआ था। खेत में तो फसल लगी हुई है लेकिन फसल में अनाज है ही नहीं। इस सब से कंडीशन देख करके लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक बाढ़ आया है। बगल के गांव का है, इधर थोड़ा धान बच भी गया है, मेरे गांव में थोड़ा भी नहीं बचा है। और आज मेरे गांव में है झंडा, बहुत कम लोग थे क्या कि सभी लोग बाढ़ से पीड़ित थे और हर जगह भी पानी लगा हुआ ही है। अब उत्साह रहता है, खुशी मन रहता है, तब तो ज़्यादा भीड़ भी रहता है। और माँ का मेरा हाथ टूट गया था और मुझे पता नहीं था। मैं आई यहाँ तो अचानक मुझे पता चला, बोलती थी कि तुम्हें कहते तो तुम ज़्यादा टेंशन में हो जाती, और वहाँ से सामान वान भी लाना था तो वजह से मुझे बता ही नहीं। यहाँ आए तो मुझे अचानक से पता चला, तो मैं भी बहुत ज़्यादा उतना खुश नहीं थी, मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा था कि जाऊँ। फिर भी शाम के टाइम में मम्मी लोग बहुत जिद करने लगी तो सोची चल ही जाती। एक फैशन करके निकल रही है, सजते संवरते, जल्दी चलो। इधर देखिए माँ कैसे हाथ को छुपा करके जा रही है मेला देखने। इसके आँख में फ्लैश जलाते हैं तो देखिए। सिर्फ हम लोग के लिए गई माँ हम लोग के साथ, कि नहीं जाएंगे तो ये लोग भी नहीं जाएगी। इस वजह से एकदम 7 बजे हम लोग निकले थे। अब यहाँ पे महावीर जी का सब दर्शन कर रही हैं और यहाँ से निकल करके थोड़ा बहुत देखिए, इस बार का झंडा जो है ना बहुत लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बहुत कम बनाया हुआ है। इससे पहले वाला था बहुत अच्छा था। इस बार तो सबके पास मजबूरी था, पैसा का ही पैसा रहता है तो हर चीज़ रहता है, हर चीज़ बहुत अच्छे से बनता है। जिसके पास पैसा नहीं है समझ नहीं सकते। तो इस बार गांव का कंडीशन बहुत अच्छा था, हमको लगता है इस बार चंदा भी उतना अच्छा नहीं वसूलाया है। इस वजह से जैसा भी बना है चलिए अच्छा ही है। मेला भी बहुत कम ही लगा था, उतना बाहर बाहर से आए नहीं थे। पहले बहुत सारा झुलवा उलवा भी रहता था, इस बार कुछ भी नहीं। एक सिर्फ था बच्चा लोगों का जो कूदने वाला होता है वो, और इतना ही मेला बचा हुआ था ताकि हम लोग एकदम लास्ट में गए थे। इतना ही मेला आप लोग भी देख लीजिए हम लोग के साथ। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमृता की वाणी में। सुबह के बज रही है 5, अभी देखिए चारों साइड अंधेरा छाया हुआ है। माँ अभी उठ करके कुछ कर रही है जबकि एक हाथ टूटा हुआ है। इधर के 12 न कहले है कथी करे छे। इधर बम बम उठी है, आटा चल रही है, चूल्हा पे घीरा का सब्जी आलू भिंडी का भुजिया बनकर रेडी है। इधर मैं इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ दाल। मेरा घर सारा जो है पेंट हुआ है, क्या कि अभी बाहर का पेंट नहीं हुआ है। वहाँ मैं दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा पानी आया था मेरे घर में। देखिए इधर मैं जमीन पे खड़ी हुई हूँ, इधर अभी पेंट नहीं हुआ है। ये रेखा जो दिख रहा है, ये रेखा ये सब दाहड़ का है, मतलब मेरे यहाँ पे मैं खड़ी रहती तो डूब जाती, इतना सारा पानी आया था घर पे। देखिए कितना पूरा दिख रहा है। और पेड़ में भी दिखाती हूँ, पेड़ सब तो लगता है मेरे सर से 10 फीट तक आया हुआ था। समझिए पेड़ सबको देख करके बताती हूँ। थोड़ा घर ऊँचा है तो यहाँ पे कम पानी पहुँचा हुआ था। देखिए पेड़ सब का, ये इधर का तार का पेड़, इधर का पूरा दीवार पेंट हो गया तो नहीं पता चल रहा है। इधर देखिए पूरा देखा अभी तक है। मोटर का आवाज देखिए कैसे फर फर करके, इतना आवाज कभी नहीं देता था मेरा मोटर, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इधर बहना कपड़ा धो रही है, मैं अपना खाना बना करके फिर आंटी के यहाँ गई थी खाना बनाने। उधर भी आंटी लोग नहीं थी, अंकल जी थे, दादी थी, तो बना दिए हैं खाना। इधर से खाना लेकर जाते हैं तो नहीं खाते रहते, तो इसलिए जा करके ही बना दिए हैं। अभी बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है धोने के लिए। ये नीचे देख रहे हैं वो ऊपर है, अब सब जा रहे हैं धोने, नहाए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि फिर भीग जाते पानी में। बहुत काम है, बहुत ज्यादा।
देखिए इतना सारा बर्तन धो करके यहाँ फैन चालू करके रखे हैं पूरा सूखने के लिए। साहब एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, बजा बजाते हैं, पेंटो करते हैं, एक दिन पेंट कर दे एक दिन बजा बजाने चल जाते हैं। टाइम 1:25 हो गया, अब जा रही हूँ मैं नहाने। एक ठोक देखिए टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिल रहा है और मुझे काम करते करते फुर्सत नहीं मिल रहा है। उधर पेंट हो गया तो इधर फिर तख्ता रखना था तो ये तख्ता रखे हैं हम और भाई मिलकर। फाइनली जा रही हूँ स्नान करने, बहुत थक गया, मुझसे नहीं कुछ होगा। उधर का चौकी भी पूरा साफ करके पूरा, फिर मिट्टी उट्टी इतना ज्यादा है ना कि करते करते हालत खराब है। कितना जगह तो हाथ कटा है। चुको देखो क्या कर रहा है रे इसका, देखिए ये इसमें इसकी मम्मी खाना नहीं दी है आज, तो आलू बना पका करके खाएगा। खाना नहीं मिला है, है? अभी बना रही हूँ रात में मैं मशरूम का सब्जी। सुनो सिर्फ खाने का चीज ढूंढती रहती है, मेरे बैग में हाथ लगाई ना तो मार मार के हाथ तोड़ देंगे। पसन्नर मरा होगा तो एक पसन्नर इसका जन्म हुआ, ये आज भी नहीं नहा। ये देखे लाजे शर्म कैसे आवड़ा खा रही थी। पसन्नरी मैं सब्जी बना ली, इधर बना रोटी बना रही है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।